मैं तो उसका हिस्सा भी था। अभी देखते हैं, अभी 14 की अगर बात करें। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने देखा है जी। सर, इस बार आपको क्या लगता है कौन ट्रॉफी लेकर जाएगा? आप आई सपोज मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं है कि मैं ये टिप्पणी कर सकूं, बट आप अगर कुछ नाम बताएंगे मुझे तो। और राहुल वैद्य से बहुत अच्छा खेले हैं दोनों में। हाँ, आई फील देखिए, टेलीविजन इज बेसिकली फॉर वुमेन, तो मेरे हिसाब से रूबीना इज़ वेरी स्ट्रांग, एंड बिकॉज बहुत सारी वुमेन कंटेस्टेंट्स हैं जो जीत के गई हैं और उनकी पर्सनैलिटी कम्स अक्रॉस एज वेरी स्ट्रांग, सो आई फील बिटवीन राहुल वैद्य एंड रूबीना, आई फील रूबीना शुड विन। देखिए वो तो अभी 5-6 साल पहले की बात है, बट आई थिंक इट वॉज समथिंग जो मुझे करना था। मैं देखना चाह रहा था कि मैं एक ऐसे शो में सर्वाइव करूँगा, बल्कि उससे भी एक स्ट्रॉन्ग शो था इस जंगल से मुझे बचाओ, तो उसमें मैं 3 महीने सर्वाइव करके आया हूँ, तो मेरे लिए बिग बॉस वॉज नॉट नथिंग एट ऑल। दोबारा आपको इनवाइट आता तो आप एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, करेंगे, क्यों नहीं। अगर मौका मिलेगा, अगर डेट्स होंगी तो वो चले जाएंगे। अगर निशान जी मुझे अलाउ करेंगे तो मैं चला जाऊंगा, बिकॉज आई थिंक मेरे और इनके बीच में अभी ये बातचीत हो रही है कि बैक टू बैक इनके साथ हम शोज करने वाले हैं। कौन अच्छा खेल रहा था आपके? थोड़े बहुत देखा होगा जब भी आपने देखा सर। किसका? 14 जो बिग बॉस है, इसमें सबसे अच्छा कौन खेल रहा था आपकी नज़र में अभी वाला? हाँ। नहीं, मैंने बोला ना, मैं इतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ, तो अगर आपने दो नाम लिए तो उन दोनों में मैं कहूँगा कि रूबीना। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।